सीधी बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं बीमा कर्मचारी संघ की बरेली मंडल की अध्यक्ष महामंत्री हैं और अपना परिचय मैं समझता हूँ गीता जी खुद ही देते हुए चलेंगी अपनी बात कहती हुई। गीता जी, एकदम सीन देश में निराशाजनक होता जा रहा है, खासतौर से श्रमिक वर्ग के अंदर जो नियुक्ति में नौकरी कर रहे हैं उस वर्ग के सामने, ऐसी क्या वजह है कि बात हुई थी 6 साल पहले चुनाव से अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या लगता है कि अच्छे दिन आ चुके हैं या आने वाले हैं? मैं गीता शांत, मैं बीमा कर्मचारी संघ बरेली डिवीजन की महामंत्री हूँ और साथ में जो बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन है हमारा, उसकी भी मैं उप महामंत्री हूँ। और हम लोग हर तरह से जो श्रमिक वर्ग, चाहे वो जिस भी क्षेत्र का है, उसकी बात को उठाते हैं और करते हैं। जो माहौल हमें आज निराशाजनक दिख रहा है, वो पूरा माहौल अगर आप देखेंगे वो दो हिस्सों में है कि जो श्रमिक वर्ग है उसके बीच घोर हताशा और निराशा है, लेकिन जो सत्ता है हमारी इस समय वो अति उत्साह में है, वहां पर आपको पूरी प्रसन्नता का वातावरण दिखाई दे रहा है। तो हमें इसी को समझना है कि आम आदमी की निराशा और सत्ता की जो उत्साहपूर्ण स्थिति है, इसका रहस्य क्या है। इसका रहस्य ये है कि जो इस समय की राजनीति है, दरअसल ये बड़ी चालाक राजनीति है और इसको जब हम वर्गीय दृष्टि से देखते हैं तो पूरा परिदृश्य हमारे सामने एकदम साफ हो जाता है। दृष्टि ये है इनकी कि इन्होंने एक तरफ कॉरपोरेट से तमाम पैसा लिया हुआ है और यही वजह थी कि कॉरपोरेट के 4-6 दिन विरोध प्रदर्शित करने पे और चिंताएं जताने से तुरंत वित्त मंत्री सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मुक्त कर दिया कॉरपोरेट को, कॉरपोरेट पे जो सरचार्ज बढ़ाकर लगाया था बजट में उसको वापस ले लिया। साथ ही साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने श्रम कानूनों को लचीला करने का और खत्म करने का प्रस्ताव भी उसमें दोहराया। प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से इसी बात को दोहराया कि हम श्रम कानूनों को खत्म करेंगे। ये भी अफसोस की बात है कि जितने पत्रकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उसमें से एक ने भी श्रमिकों के तरफ से कोई सवाल नहीं पूछा कि आप श्रम कानूनों को क्यों खत्म करेंगे। जो निराशा का माहौल इसलिए है क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि आप 5 साल से ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा आपको, जो अभी तक आप ESI में 6% पैसा देते थे अब केवल आपको 4.2% पैसा देना है, आपका फ्लैक्सी वर्किंग आवर्स, फ्लैक्सी पेज कि आप चाहे 2 घंटे को रख लें 2 घंटे बाद भगा दें काम करवा के, जितने पैसे देना चाहे आप खुद बार्गेन कर लें उनको भगा दें। तो ये पूरा जो एक माहौल श्रमिक वर्ग के खिलाफ परोसा जा रहा है, कॉरपोरेट उसी से खुश है और वो वही चाहता है और उसने अपने दिए हुए कैपिटल का ही दबाव बनाया था कि भाई हमने तुम्हें इतना पैसा दिया है इलेक्शन में और हमारा प्रॉफिट इफेक्टेड हो रहा है। अभी जब तक आप किसी भी कंपनी में, जब आप देश के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो वो परचेजर कैसे बनेंगे, किसी भी चीज को वो खरीदेंगे कैसे, जब खरीद नहीं पाएंगे तभी मंदी आती है कि बाजार में सामान पड़ा हुआ है कोई खरीदने वाला नहीं है। जब लोगों को पैसा नहीं मिलता है और सामान नहीं बिकता है तो पहले तो पूंजीपति मजदूरों को निकालता है, विभाग मजदूरों को निकालते हैं, उसके बाद भी जब उनका नहीं होता है तब उनका मुनाफा प्रभावित होने लगता है, जब मुनाफा प्रभावित होने लगता है तब वो सरकार से रोने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तो ये एक दूसरा रास्ता है कि आपने 70,000 करोड़ रुपया बैंकों को दे रहे और बैंकों से क्या कर रहे हैं आप, लोन सस्ते करिए, यानी कि रेवेन्यू के रूप में आपके पास जो 70,000 करोड़ रुपया है जो आप 5 लाख करोड़ तक ले जाओगे वो पैसा है जो जनता का पैसा है सरकार के पास, उसको बैंकों में डाल के फिर बैंकों के जरिए आप उन्हीं को लोन दिला रहे हो, मतलब कि एक आपने रास्ता बनाया वहां पैसा पहुंचाने का। और दूसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है वो इस समय ये है कि तमाम वो लोग जो इन नीतियों से त्रस्त हैं वो भी इस सरकार के पक्षकार हैं, वो भी इस सरकार से खुश हैं, वो भी कई मुद्दों पे वाह वाह कर रहे हैं सरकार की। ये सबसे गंभीर विषय है कि जैसे अभी हड़ताल चल रही थी हमारी आयुध निर्माण फैक्ट्रियों की, या यूपी गवर्नमेंट में है या EPF डिपार्टमेंट में है, इन हड़तालों में भाग लेने वाले कर्मचारी भी इस सरकार के समर्थक हैं, हमें इसको कहने में स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुद्दों को दो तरफ बांट दिया है, एक भावनात्मक और धार्मिक मुद्दे हैं।
इस समय इस देश के अंदर जो नशा परोसा जा रहा है पूरे मीडिया के तरफ से मिलकर, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पूरा कॉर्पोरेट उसमें लगा हुआ है कि बहुसंख्यक होने का एक घमंड परोसा जा रहा है कि क्योंकि आप इस देश के बहुसंख्यक हैं तो आपको ही सारा अधिकार है, और इस बहुसंख्यक का पूरा ईगो सेटिस्फेक्शन इस बात में है कि अल्पसंख्यक चाहे वो जो भी है वो हमारे आगे सर झुका के चले। ये हमारी एक बहुत पुरानी सामंती सोच है जिसका कि दोहन किया जा रहा है, और जो बहुसंख्यक होने का घमंड है उस घमंड का ही यहाँ पर दोहन हो रहा है। इसीलिए चाहे वो धार्मिक मुद्दे जो भी हैं, कांवड़ पे आप फूल बरसाओ, कुंभ का बढ़िया इंतजाम करो, इन सब चीजों को लेकर जो है वो लोगों के अंदर एक उत्साह का माहौल है। जिन लोग नोटबंदी में जिनका रोजगार चले गए वो भी इस सरकार की वाह वाह कर रहे हैं, जो जीएसटी में मर गए वो भी वाह वाह कर रहे हैं, व्यापारी भी जो छोटा व्यापारी है बंद हो रहा है मगर वाह वाह कर रहा है, कह रहा है कि कम से कम इन्होंने अल्पसंख्यकों को ठिकाने लगा दिया, लोग केवल इस बात से खुश हैं। तो पूरी राजनीति दो हिस्सों में, एक नोट के लिए है और एक वोट के लिए है। नोट के लिए जो राजनीति है उसको हम पूरा जब बजट देखते और समझते हैं तो हमारी समझ में आता है कि जितना फाइनेंस है वो सब कॉर्पोरेट के पक्ष में है, नीतियां सारी कॉर्पोरेट के पक्ष में है। और वोट के लिए ये धार्मिक और ये वाले मुद्दे हैं कि आप 370 पे खुश होइए, आप मंदिर पे खुश होइए, आप कांवड़ पे खुश होइए, आप हज पे खुश होइए, आप 3 तलाक पे खुश होइए, ऐसा भी नहीं है। मैं केवल कि किसी भी एक धर्म के बारे में बात कर रही हूँ। धार्मिक तुष्टिकरण हर धर्म के अंदर छोटा 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 धार्मिक तुष्टिकरण है। अब 370 के बाद में क्या हुआ, एक जो सबसे गंभीर बात आई निकलकर, क्योंकि मैं एक महिला भी हूँ, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब हम मतलब 370 में उन्हें केवल एक बात दिखाई दी, कश्मीर या भारत की आजादी या उसका नहीं मैटर, कि अब हम कश्मीरी लड़कियों को ला पाएंगे। आप कौन है, एक विजेता है क्या? आपने कश्मीर को युद्ध में जीत लिया है, आपने संसद से उनको जीत लिया है। पहले यही होता था कि जब एक राजा दूसरे राज्य को जीत लेता था तो उस राज्य की लड़कियों को वो ले आता था अपने पास, जमीन और लड़की दो ही चीज जीती जाती थी हर युद्ध में। आज भी वही हो रहा है कि हम वहां पे अपना प्लॉट बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे हम, और दूसरी बात कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हम वहां की लड़कियों को लेकर आएंगे। ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है भाई? क्यों लाएंगे आप कश्मीर की लड़की, कश्मीर की लड़की पर आपकी कुदृष्टि क्यों है? तो ये जो सारे सवाल है, अब लड़के खुश हो रहे हैं यूपी के आज, कल को कोई कहेगा हम कहीं और की लड़की लाएंगे, नहीं, ये सब बातें ठीक नहीं है। हमें इस नशे से इस समाज को बचाना है कि बहुसंख्यक होना, हम कहाँ पैदा हो, किस जाति में हो, किस देश में हो, किस धर्म में हो, इस पर हमारा अंकुश नहीं है। हम जहाँ पैदा होते हैं उससे हमारा लगाव बन जाता है, हम समय के साथ चीजों को जानने लगते हैं, सीखने लगते हैं, तो उससे हम प्यार करने लगते हैं, और इस प्यार को प्यार रहने देना चाहिए, उसे किसी और के खिलाफ नफरत की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें इस नफरत के बवंडर से बाहर निकलना होगा, हमें घमंड से बाहर निकलना होगा। बहुसंख्यक हम आज भारत के अंदर बहुसंख्यक हैं, हम किसी प्रदेश के बहुसंख्यकों को दबा सकते हैं क्योंकि हम देश के अंदर बहुसंख्यक हैं, लेकिन एक सवाल कल को ये भी तो आ सकता है कि जो दुनिया में बहुसंख्यक है तो फिर पूरी दुनिया पर उसका शासन होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, आप फंस जाएंगे अपने जाल में। तो बहुसंख्यक होने का नहीं सवाल है, हर जगह की जमीन, हर जगह की सभ्यता संस्कृति सब ठीक है, उसका सम्मान होना चाहिए, और इस राजनीति की चालाकी को हमें समझना चाहिए कि ये एक धूर्त राजनीति का दौर है, जबकि देश डूब रहा है, एक टाइटैनिक की तरह हम डूब रहे हैं, मगर जो इस समय का समय है, जो डूब गया है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, जितना हिस्सा ऊपर बचा हुआ है उसी पर कैमरा लगा हुआ है और उसी की वाह वाह हो रही है, हमारा फर्ज है उस डूबे हुए हिस्से को दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद गीता शान जी, आपने बेबाकी से अपनी बात कही है, न केवल पूंजीवाद पर प्रहार किया है बल्कि देश का असली दृश्य भविष्य में क्या हो सकता है इस पर भी आपने दृष्टिपात किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज 24 से बात करने के लिए।